Which is better, a freewheel or a cassette? And what is the difference between these two? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। Hey guys, welcome back to the channel. अगर आपको अभी भी नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है वो दिख रहा है रेड, दैट मीन्स आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही जो बेल बटन है उसको आप प्रेस करके रखो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्री व्हील एंड अ कैसेट। मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट एंड कमेंट्स आते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के एंड काफ़ी सारे फॉलोवर्स के, जो मुझसे पूछना चाहते हैं कि एक फ्री व्हील और एक कैसेट में क्या डिफरेंस है, क्या हम फ्री व्हील को कैसेट में अपग्रेड कर सकते हैं एंड क्या कैसेट को एक फ्री व्हील वाले हब में हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ, बट इससे पहले जान लेते हैं कि एक फ्री व्हील क्या होता है और एक कैसेट क्या होता है। नाउ गाइस, अभी करंटली जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, दिस इज़ अ फ्री व्हील। नाउ तो ये जो फ्री व्हील है, ये एक सिंगल ग्रुप होता है काफ़ी सारे गियर्स का एंड इस फ्री व्हील को अपने बाइक में इंस्टॉल करने के लिए आपको हब में जाके इसको इस थ्रेड के साथ मैच करना होता है एंड देन इसको टाइट करना होता है। एक जो फ्री व्हील होता है उसका जो फ्री हब बॉडी होता है वो फ्री व्हील के अंदर ही पूरा इंस्टॉल होता है। एज़ यू कैन करेंटली सी कि अभी देखो ये किसी भी बाइक में इंस्टॉल नहीं है, बट आई कैन ईजिली रोटेट इट। तो जब आप पेडल करते हो तो ये फ्री व्हील लॉक हो जाता है इस फ्री हब बॉडी से एंड आपको हेल्प करता है फर्दर आगे की तरफ मूवमेंट करने में। एंड जैसे ही आप अपने पेडल के मोशन को स्टॉप कर देते हो एंड ये कंटिन्यूसली जो इंटरनल बॉडी है, एज यू कैन सी, ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है एंड आपको हेल्प करता है कंटिन्यूस मोशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कैसेट। नाउ अभी करंटली जो मेरे हाथ में है, दिस इज़ अ कैसेट। सो जो कैसेट होता है ये मल्टीपल कॉक्स का एक पूरा ग्रुप होता है। कैसेट होता है, इसके ईच कॉक को आप कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हो एज पर द मॉडल। एंड जो कैसेट होता है, एज यू कैन सी, इसका जो फ्री हब बॉडी होता है वो आपके बाइसाइकिल के रियर व्हील में इंस्टॉल्ड होता है। यू कैन सी एक कैसेट में आपको इस तरीके के स्प्लीन्स मिलते हैं जो आपके फ्री हब बॉडी में जाके इंस्टॉल होते हैं। वो आप अपनी पेडलिंग को करते हो तो ये फ्री हब बॉडी के साथ सामने की तरफ मूव करते हैं। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ कैसेट एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ फ्री व्हील, लेट्स सी दैट। तो अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। तो जो फ्री व्हील है वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो पहले के बाइकों में हमको मिला करती थी। मीन्स आपने देखा होगा जितनी भी ओल्ड जनरेशन की जो माउंटेन बाइक्स हैं या बाइसिकल्स होती हैं, उसमें आप देखोगे कि आपको फ्री व्हील ही लगा हुआ मिलता है, बिकॉज उन बाइसिकल्स में जो उनके रियर हब्स होते हैं उनको पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से आपको फ्री व्हील यूज़ करके उसमें थ्रेड किया जाता है। एंड जो एक कैसेट है वो फ्री व्हील के अगेंस्ट एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एंड बाइक्स में देखने को मिलती है। एंड अभी करंटली मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा बाइक मैन्युफैक्चरर्स कैसेट के साथ ही अपने बाइक्स को लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज उसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। एक फ्री व्हील का मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो इसमें आपको स्क्रू मैकेनिज्म मिलता है। मींस जब आप इसको अपने बाइसिकल के हब में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको इसको स्क्रू करके अपने बाइसिकल के हब में इंस्टॉल करना होता है, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फ्री व्हील जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसके लिए आपको डिफरेंट तरीके के टूल्स भी खरीदने पड़ते हैं इंस्टॉलेशन एंड दोबारा निकालने के लिए। एंड उसी के अगेंस्ट में जो एक कैसेट होता है उसमें आपको इस तरीके के स्लॉट मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ईजिली आपके हब बॉडी के ऊपर स्लाइड हो जाते हैं। देन एक लॉक रिंग की हेल्प से आप इसको हब बॉडी के साथ बहुत इजीली अटैच एंड दोबारा अनइंस्टॉल कर सकते हो। फिर टॉक अबाउट अ फ्री व्हील, जैसा कि अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हो, तो ये एक 7 स्पीड का फ्री व्हील है। फ्री व्हील के साथ लिमिटेशंस ये होती है कि ये सिर्फ 5, 6 एंड 7 गियर्स तक ही ये आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। उससे ऊपर अगर आप गियर्स को यूज़ करना चाहते हो तो आपको फ्री व्हील मार्केट में नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो मैक्स टू मैक्स 7 गियर्स तक ही ये सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न अगर आप मार्केट में देखोगे तो जितनी भी लो एंड बाइक्स होती हैं, लाइक 5,000, 6,000 या अप टू 15,000 तक की बाइक्स में आपको इस तरीके के फ्री व्हील्स ही देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 18 से लेके 21 गियर्स तक का कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिलता है। सो इन फ्यूचर अगर आप अपनी बाइसाइकिल को अपग्रेड करना चाहते हो, अगर आप 7 स्पीड की जगह रियर में 8 स्पीड 9 स्पीड कर सकते हो, तो वो आप एक फ्री व्हील के साथ नहीं कर सकते। एंड इफ वी टॉक अबाउट अ कैसेट, तो जो कैसेट होता है वो जनरली 8 स्पीड से आपके शुरू होते हैं। जितनी भी 8 स्पीड की बाइक्स होती है उनमें आपको कैसेट ही देखने को मिलता है। एंड 8 स्पीड से लेके 9 स्पीड, 10 स्पीड, 11 एंड अप टू 12 एंड अब तो मार्केट में 13 स्पीड तक भी आपको कैसेट मार्केट में देखने को मिलते हैं। अगर आपकी बाइसिकल में 8 स्पीड लगा हुआ है तो आप उसको बहुत ईजिली 9 स्पीड, 10 स्पीड एंड अप टू 11 स्पीड में आप सेम हब बॉडी में इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज 8 से लेके 11 स्पीड तक का जो हब होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। विथ फ्री व्हील ऐसा नहीं होता।
बट कैसेट के साथ उस तरीके की लिमिटेशंस नहीं है। आप बहुत इजीली अपने बाइसिकल को 8 स्पीड से 11 स्पीड में अपग्रेड कर सकते हो। आपको बस उस पर्टिकुलर स्पीड का कैसेट खरीदना होगा एंड अपने बाइसिकल में इंस्टॉल करना होगा एंड अलॉन्ग विद अदर पार्ट्स जो उस पर्टिकुलर कैसेट को सपोर्ट करते हैं। फ्री व्हील को आप एक कैसेट वाली हब बॉडी में इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो फ्री व्हील है, एज यू कैन सी, इसमें आपको इस तरीके के स्क्रू मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो आपके बाइसिकल के हब में जाके कुछ इस तरीके से आप स्क्रू करते हो एंड ये मैकेनिज्म एक कैसेट हब बॉडी को सपोर्ट नहीं करती है। बट इफ यू सी अ कैसेट, तो इसमें आपको इस तरीके के स्लॉट्स मिलते हैं एंड सिमिलरली एक कैसेट को आप फ्री व्हील वाले बॉडी में इंस्टॉल नहीं कर सकते बिकॉज उसमें स्क्रू मैकेनिज्म है एंड इसमें स्लॉटेड मैकेनिज्म है। आप में से काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम फ्री व्हील को कैसेट में अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं। वेल, इन जनरल अगर आप सिर्फ फ्री व्हील अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो नहीं, आप नहीं कर सकते। बट इन केस अगर आप अपने पूरे गियर सिस्टम को चेंज करना चाहते हो एक कैसेट में, तो आपको उसके लिए चेंज करना होगा सबसे पहले अपने हब को, जो आपके बाइसिकल में हब लगा हुआ है आपको उसको चेंज करना होगा। फिर आपको फ्री व्हील को चेंज करना होगा एंड अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा भी होता है कि शायद आपको पूरे के पूरे व्हील सेट को ही चेंज करना होगा एक कैसेट बॉडी में मूव करने के लिए, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज आपको व्हील सेट खरीदना होता है, फिर आपको उसके लिए हब्स खरीदने होते हैं एंड देन साथ ही साथ आपको फिर उसके लिए कैसेट भी खरीदना होता है एंड कैसेट के साथ साथ आपको कई बार जो उसके सपोर्टेड डिरेलर्स होते हैं एंड शिफ्टर्स होते हैं वो भी आपको खरीदना होता है, तो जो कि ओवरऑल पूरे बजट को बहुत ही ज़्यादा हाई लेके जाता है। सो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट रिकमेंडेड कि आप एक फ्री व्हील वाले अपने ड्राइव ट्रेन को एक कैसेट में मूव करो। इंस्टेड आप मार्केट में जाके जितनी भी अभी लेटेस्ट बाइसिकल आ रहे हैं जो आपको कैसेट सिस्टम के साथ मिलता है, अगर आप वो खरीदते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज उसमें आपकी फ्यूचर अपग्रेड्स बहुत ईजिली पॉसिबल होते हैं। एंड अनदर डिफरेंस बिटवीन अ फ्री व्हील एंड अ कैसेट, अ फ्री व्हील इज लॉट चीपर देन अ कैसेट। अ कैसेट इज ऑलमोस्ट 2 times एक्सपेंसिव देन अ फ्री व्हील। एक जो फ्री व्हील होता है ये बहुत ही ज्यादा हैवी होता है। अभी करंटली जो मैंने अपने हाथ में फ्री व्हील रखा है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 500 to 600 grams एंड ये जो एक कैसेट है मेरे हाथ में, दिस इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस फ्री व्हील। इसके वजह से ये आपके ओवरऑल बाइसिकल के वेट को भी कम रखने में हेल्प करता है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी बाइसिकल चाहते हो जो आप कम बजट में खरीद सको, जिसमें आपको गियर्स मिले एंड साथ ही साथ आप बस उसको अपने डेली कम्यूट के लिए ऑन रोड ही राइड करो जस्ट फॉर नॉर्मल कम्यूटिंग पर्पस, तो आप एक फ्री व्हील इंस्टॉल्ड बाइसिकल के साथ बहुत ईजिली जा सकते हो बिकॉज वो आपके नॉर्मल डे टू डे कम्यूट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। However, in case अगर आप एक ऐसी बाइसिकल चाहते हो जो आप इन फ्यूचर अपग्रेड कर सको काफ़ी ईजिली, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन में उसको यूज़ कर सको एंड ओवरऑल वो लाइट वेट हो एंड साथ ही साथ आपके यूजेबिलिटी को बहुत ईजिली वो सपोर्ट कर सके, तो आप एक कैसेट वाले गियर सिस्टम के साथ जा सकते हो जो आपको बहुत ईजिली इन फ्यूचर अपग्रेड करने में हेल्प करेगा एंड साथ ही साथ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइडिंग में भी आपको बहुत ईजिली सपोर्ट करेगा। तो गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ एफिलिएट लिंक्स को प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आप उनके थ्रू शॉपिंग करते हो तो आप मेरे को इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हो और भी ज़्यादा कंटेंट को क्रिएट करने में। सो मेक श्योर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप उन एफिलिएट लिंक्स के थ्रू ही करना एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर नीचे रेड बटन आपको अभी भी दिख रहा है एंड वो सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट सम मोर अपडेट्स। सो आई विल सी यू विद अनदर वीडियो गाइस, टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।